वाली है, कितना दूध देती है ये? 14 लीटर देती है, जब बच्चा देती है। एक टाइम का 14 लीटर, 28 लीटर दूध देने वाली भैंस है, तो 14 लीटर कितने महीने तक ये कंटिन्यू देती रहती है? ये जब तक लक्ष के 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक ये 14 लीटर दूध देती रहती है। बहुत बढ़िया है दोस्तों, देख सकते हो 28 लीटर दूध देने वाली भैंस है। और नमस्कार पशुपालक भाइयों, तो पशुपालक भाइयों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे गुजरात की हाथी जैसी जाफराबादी भैंस है। तो आइए आज के वीडियो में आपको यहीं से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया का जानते हैं एड्रेस कहाँ पे है, इतनी अच्छी अच्छी भैंस है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। तो भैया आपका नाम? वीरम करंगिया। और आपका एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है चोटीला राजकोट हाईवे पे, देवांगी होटल आती है उनके बगल में ही हमारा फार्म। अच्छा, तो टोटल कितने पशु है आपके पास में? 40 पशु। 40 पशु है ना, उसमें से इधर की साइड ये भैंसे दिख रही है, कितनी भैंसे है? 20 है। 20 है ना। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं 20 भैंस है इस लाइन में। तो ये सारी एक एक करके आज आपको विजिट करवाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जाफराबादी के अंदर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी भैंस है। तो भैया से जानते हैं इसके बारे में। तो भैया इसको आप जाफराबादी बोलते हैं या? जाफराबादी। जाफराबादी है। हमारे यहाँ की देसी वो जो जूनी ब्रीड है ना। हाँ, अच्छी। हाँ, सही। अच्छा, वो ब्रीड है, वो ब्रीड है ना। हाँ, जो अच्छा उसमें जूनी। हाँ, ब्रीड में बोलते हैं ना, पुरानी ब्लड लाइन है। हाँ, पुरानी ब्लड लाइन है। तो कितना दूध दे रही है ये? 7 लीटर अभी दे रही है। हाँ, और प्रेग्नेंट है। बच्चा देती है तो कितना देती है? अभी 8-9 लीटर दूध देती है। 8-9 लीटर। कितने महीने की अभी प्रेग्नेंट है? अभी ये 3 महीने की। 3 महीने की है और 7 लीटर दूध दे रही है ना। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत अच्छी भैंस है, पुरानी ब्लड लाइन की है, दूध में भी अच्छी है, 8-9 लीटर दूध देने वाली है इनके पास में, और भी ज्यादा, इससे ज्यादा भी दूध देने वाली है। और आज का वीडियो सेल परचेज का नहीं है, आज आपको केवल अच्छी अच्छी भैंस दिखाएंगे। और आप देख सकते हो कितना दूध देने की कैपेसिटी रहती है जाफराबादी भैंसों में। तो एक एक करके वो सारी आज आपको दिखाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगे, और आप वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। ये दूसरे नंबर की भैंस है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो भैया ये कौन से ब्याह की है? 7 ब्याह की होगी। 7 ब्याह की है ना। 7 बार बच्चा दे दिया, दिया। या अब देगी? नहीं, वो भी दे दिया है। अच्छा, दे दिया है ना। कितना दूध दे रही है अभी? 7 लीटर। 7 लीटर दे रही है। तो अभी ज्यादा टाइम हो गया? नहीं, 4-5 महीने हो गए बच्चा दिए। अच्छा, 4-5 महीने हो गए, वापस प्रेग्नेंट हो गई है? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए ना। बहुत बढ़िया है, देख लो दूध में भी सब भैंस अच्छी है। ये तीसरे नंबर की भैंस है, इसके बारे में जानते हैं। इतनी बारी देख लो बॉडी का चेक्चर और आगे से इसका फेस आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी भैंस है। तो ये कौन से ब्याह की है? ये अभी छठे ब्याह की होगी। छठे ब्याह की। तो अभी छठे ब्याह में प्रेग्नेंट है या बच्चा? प्रेग्नेंट है। 9 महीने की प्रेग्नेंट है। 9 महीने की प्रेग्नेंट है। बच्चा देंगी, महीना भर ही बच्चा है, मतलब बच्चा देने में। ये कितना दे देती है दूध जब तक ये होती है तब? 12-13 लीटर। 12-13 लीटर एक टाइम का दे देती है। बहुत बढ़िया, देख लो 12-13 लीटर एक टाइम का दे देती है, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी बॉडी देख के पता चल रहा है, और बहुत भारी है, खाने की खुराक भी इनकी बहुत अच्छी है। तो भैया एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि 5 महीने की हुई है भैंस, वो मतलब दूध दे रही है और 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो टाइम पे हो जाती है कंसीव? क्या मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसा? बहुत सारे भाई बोलते हैं ना साल भर हो गया क्रॉस होने में। क्रॉस होने में नहीं, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लेती है ना। तो वो जैसे 2 महीने में हो जाती है, 3 महीने में हो जाती है। इससे ज्यादा टाइम में भूल होता है ना, इसलिए वो जल्दी। अच्छा, तो आपके फार्म पे इनके फार्म पे बुल है, तो देख लो बुल है, इस वजह से भैया बोल रहे हैं जैसे कि 2-3 महीने में हो जाती है आराम से क्रॉस, ज्यादा टाइम नहीं लेती है। और इनके पास में सभी भैंसे ऐसी है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है आपके फार्म पे, जैसे कि कोई भैंस ऐसी है जो साल भर तक दूध दे रही है और वापस प्रेग्नेंट नहीं हुई है? नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी भैंस नहीं है ना। तो होती है 6-7 महीने पे होती है, और कोई ऐसे क्या बोलते है की निकल गई, खाली निकल। हाँ, खाली निकल। हाँ, गई तो कोई बनती है, लेकिन वो जल्दी से फिर से क्रॉस में आ वापस हो जाती है ना। बाकी इतना लंबा टाइम नहीं लेती है कि मतलब वो टाइम पे। हाँ, नहीं हो रही है क्रॉस। और आपके फार्म पे आप इतनी भैंसे हैं तो कटड़िया भी तैयार करते होगे? हाँ, तो कटड़िया कितने साल में तैयार होके कंसीव हो जाती है? 3 साल में हो जाए। 3 साल में क्रॉस हो जाती है ना।
तो दोस्तों देख लो 3 साल में हो जाती है, और बहुत सारी जगह ऐसे भी सुनते हैं कि जैसे 4 साल 5 साल हो गए जाफराबादी भैंसों को, गठड़ियों को, पर वो कंसीव नहीं हुई है। और ये देख लो ये 5वें नंबर की है, ये 4वें नंबर की ये भैंस है। तो इसको आप देख सकते हैं इसका भी बॉडी का स्ट्रक्चर हाइट में बहुत भारी है, और आप इसका सिर का और फेस का बनावट देख सकते हो और पीछे का पुट्टा। तो ये कौन सी ब्यात की है भैया? ये 5वें। 5वें ब्यात की ना। तो भी इसकी बॉडी आप देख सकते हो लूज नहीं हुई, एकदम फिट बॉडी। भैया के फार्म पे हम ये 3री बार वीडियो बना रहे हैं, पहले एक बार आए थे तो भैया के पास में बहुत अच्छी अच्छी भैंस थी, 2-3 भैंस एक्सपायर भी हो गई कि मतलब ऐसे ही कुछ जना मतलब कोई भी जीव वगैरह ने काट दिया इस वजह से। तो तब हम आए थे तब इनके पास में एक भैंस थी, वो शायद उसका ड्राई पीरियड चल रहा था, शायद वो 7 या ऐसे महीने की प्रेग्नेंट थी, तब भी उसने 13 लीटर दूध दिया, हमने खुद अपने हाथों से निकाला था। बाकी हम बहुत सारी जगह जाते हैं हमें विश्वास नहीं होता है इतना भी दूध भैंस देती है, पर यहाँ पे आए थे मैंने खुद उसकी मिल्किंग की थी तब पता चला कि 13 लीटर भी दे रही है, और 6 या 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और उसकी दूध देने की कैपेसिटी उससे भी ज्यादा थी, 15 से भी ज्यादा थी। भैया बोल रहे थे एक टाइम का 15 से भी ज्यादा दूध देती है, 15 लीटर से भी। तो इस प्रकार से इनके पास में सब भैंस है जो भी ये दूध बता रहे हैं ना वो एकदम सही है, इतना भी दूध देने की कैपेसिटी होती है। बहुत सारे कोई बोलते हैं ना कि इतना दूध नहीं देती होगी, पर जो नस्ल होती है ना अच्छी नस्ल वो आराम से दूध देती है। और ये है 5वें नंबर की भैंस है, तो इसके बारे में जानते हैं ये कौन सी नस्ल की है। ये हमारे यहाँ की देसी जो बोलते हैं ना, हाँ वो देसी नस्ल है, घूमने में सही रहती है। अच्छा, घूमने में सही रहती है। ये कितना दूध देती है? ये अभी 5 लीटर देती है और 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है, और जब बच्चा देती है तब कितना? तब 9 लीटर। 9 लीटर दूध देती है ना, तो ये 9 लीटर दूध देती है। जो देख लो देसी थी वो कम देती है तो कम ही है, और ज्यादा देती है तो उसके बारे में ज्यादा ही, क्योंकि जाफराबादी। भैया आपका क्या कहना, जैसे कि आपके पास में तो देसी नस्ल भी है और जाफराबादी भी है, तो दूध सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल देती है? जाफरी। जाफराबादी है ना, जाफरी देती है, सही है, और लॉन्ग टाइम लंबे टाइम तक आराम से दूध देती है। ये 6वें नंबर की है, तो इसके बारे में जानते हैं ये कितना दूध देती है। ये अभी 7-8 लीटर देती है। 7-8 लीटर देती है, जब तब यही होती तब 12-13 लीटर। 12-13 लीटर अभी प्रेग्नेंट है, 5 महीने की। 5 महीने की प्रेग्नेंट है ना, बहुत बढ़िया है। इनकी गठड़ी वो अच्छी वाली है ना। हाँ। अच्छा, इनकी गठड़ी, इसकी गठड़ी भी आपको दिखाएंगे। 1 साल में तैयार की भैया ने, बहुत अच्छी गठड़ी बन गई है। और उसको कैसे तैयार किया आपने, कितने दिन तक दूध पिलाया? तक वो दूध पीना चालू कर दे और छोड़ ना दे। हाँ। तक दूध पिलाया। अच्छा, तो दोस्तों वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई, यहाँ की वो दूध पीते हुए वीडियो बहुत सारे लोग डालते थे, क्योंकि इतना दूध पिलाते थे उसको, तगारी के अंदर डाल के आधी तगारी करीब भर के पिलाते थे उसको दूध, तो बहुत अच्छी है कठड़ी भी उसकी। ये माँ अच्छा दूध देती है, देख लो कठड़ी को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 7 लीटर उसको पिलाए तो भी आराम से उसका बाकी वाला दूध हम 6-7 लीटर दूध निकाल सकते हैं। और ये है 7वें नंबर वाली है, ये भी कठड़ी है, ये 5 लीटर से। ये किसकी है? बच्चा दिया, फर्स्ट बार बच्चा दिया है, देख लो। ये भी बहुत अच्छी है क्वालिटी में देखे तो, टोपली सिंग वाली, इसके सिंग का पैटर्न अलग है, बाकी सारी में से दिखाई थी वो कुंडी सिंग वाली है। तो इसकी माँ आपके पास ही है? नहीं, बेच दी। अच्छा, बेच दी ना। ये कितना दूध देती है फर्स्ट में? अभी 8 लीटर दूध देती है। 8 लीटर एक टाइम का, बहुत बढ़िया है। तो बोलते हैं ना कि जाफराबादी भैंसों के लिए डाइट ज्यादा चाहिए खाने में, पर दूध भी वैसे ही देती है, जैसा खाती है वैसा दूध देती है। ये नस्ल बहुत अच्छी नस्ल है, और ये 7वें 8वें नंबर की है ना। ये 8वें नंबर की है, तो ये कौन सा ब्यात की है? ये अभी चौथे ब्यात की। अच्छा, चौथे ब्यात में कितना दूध दे रही है? अभी 7 लीटर दे रही है। 7 लीटर दूध दे रही है ना, और जब बच्चा दिया था तब? बच्चा दिया था तब 8-9 लीटर। 8-9 लीटर है ना। कितने महीने हो गए बच्चा दिए हुए? उनको बच्चा दिए हुए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए ना, 1 महीना अभी। ये मतलब कितने दिन तक और दूध देगी? जैसे कि अभी बोला ना, कितने महीने की प्रेग्नेंट होती? 1 महीने। 1 महीने की, तो कितने महीने तक ये दूध देगी लास्ट? अभी 6 महीने तक तो ऐसे ही। 6 महीने तक ऐसे ही देगी। और कितना महीने आप इसको ड्राई कर देते हो? हम 2 महीने तो कम से कम 2-3 महीने रख देते। 2 महीने रख दो, 2 महीने बेत में मजा आएगी। अच्छा, पिछले अगले वाले बेत में अच्छा दूध देने के लिए 2-3 महीने रख देते, जैसे 3 नहीं हुआ तो भी 2 महीने भी काफी है, 2 महीने रखे तो भी।
और ये नवे नंबर की है, ये तो बता देना, ये बताइए ना, ये नवे नंबर की है तो पैसा भी ज्यादा हो रही है, पता भी नहीं चल रहा किसके बारे में बताया था, क्योंकि इनका मुंह भी आ गया। ये कौन सा ब्याज की है? ये अभी छठे ब्याज की है, और ये फर्स्ट बार जब बच्चा दिया ना, तब से ऐसे ही लगातार दूध ही दे रही है, बच्चा देने का क्रोस चालू ही है, लेकिन कभी छोड़ा ही नहीं, कभी छोड़ा नहीं। इसको देख लो, ये भैंस बहुत अच्छी है। अरे ये इसको क्या बोलते हैं, जापरा में देसी है? हाँ, दोनों ब्रीड, क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है ना, बहुत बढ़िया है। और एक वो जब बच्चा दिया ना, तब से फर्स्ट बार दिया ना, तब मैंने खरीदी थी, तब से मैंने कभी इसको दूध के बिना नहीं रखा, ऐसे ही दूध देती है। बच्चा शाम को दिया हो तो सुबह दूध है, और जब दो लिया फिर भी बच्चा देती है, ऐसे ही लगातार चालू रहता है, लगातार 12 महीना दूध देती रहती है, पता ही नहीं चलता है कब बच्चा दे दिया, दूध निकालते ही रहते है। कभी इसका ड्राई पीरियड नहीं किया ना, कभी नहीं, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये है 10वें नंबर की, ये वापस आ गई जाफराबादी नस्ल। तो ये कितना, कौन से ब्याज की है? अभी ये छठे ब्याज की है, छठे ब्याज की है। कितना दूध दे रही है अभी? दूध नहीं दे रही है अभी, 8 महीने की, 8 महीने की अपन है ना, 1-2 महीने ड्राई कर दिए इसको, बहुत बढ़िया। जब बच्चा देती है तब कितना देती है? अभी 10-11 लीटर दूध देती है, बहुत बढ़िया। देख लो इस लाइन में 10 में से हमने विजिट कर ली है, 10 में से एक भी भैंस ऐसी नहीं है जो शायद 8 लीटर दूध देती है, सब 8 से प्लस है। ऐसा बताया था आपको जैसे कि 6 लीटर दूध दे रही है, वो क्यों दे रही है? क्योंकि वो 5 या 6 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए भैया ने बताया कि अब वो इतना दूध दे रही है। पर जब ताज़ा बच्चा देती है तब ताज़ा जनी हुई होती है, तब ये सारी भैंसे 8 लीटर से प्लस है, और 14 लीटर तक ये सारी भैंसे दूध देने वाली है। इधर विजिट की हमने, और आगे जानते हैं ये 11 नंबर की भैंस है, ये भी जाफराबादी है, और ये कौन सा ब्याज की है? ये भी तीसरा, चौथा बच्चा देने वाली है। अच्छा, चौथा बच्चा देने वाली है। ये कितना दूध दे रही है? ये अभी 3-3 लीटर दूध अभी दे रही है, और कितने महीने की? 7 महीने की गैप है ना, और जब ताजा बच्चा देती है तब 10-11 बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देख लो, सारी भैंसे अच्छी अच्छी है जाफराबादी, जो भी अच्छी अच्छी ज्यादा दूध देने वाली भैंस है उनको सिलेक्ट करके इधर बांध रखा है, जो इनमें से थोड़ा सा कम देती है वो सारी भैंसे उधर की साइड, आप देख सकते हो वो सारी भैंसे उधर बंधी हुई है। और ये वापस 12वें नंबर वाली आती है, ये भी जाफराबादी है। ये कौन सा ब्याज की है? ये 8वें ब्याज की थी, और कच्चा निकल गया था इसको 7 महीने को, अभी लगी 3 महीने हुए, दूध निकालना बंद कर दिया था मैंने उस बारी। हाँ हाँ। और कच्चा बच्चा निकल गया, उस वजह से आपने दूध बंद कर दिया ना। और अभी कितना महीने की प्रेग्नेंट? अभी 3 महीने, 3 महीने की। तो जब कौन सा ब्याज की होगी? ये छठे ब्याज की। पहले कितना दूध देती थी जब? ये इसमें दूध तो अच्छा ही हो, 12-13 लीटर दूध, 12-13 लीटर दूध देना, बहुत बढ़िया है। तो सारा दूध भैया आपका कहाँ पे जाता है? देवांगी होटल में, होटल में जाता है, डेयरी में नहीं जाता है? नहीं। किस भाव से जाता है? 75 रुपए। और ये है इनके पास में जाफराबादी का बुल, आप देख सकते हो बुल भी बहुत अच्छा है, ताकि इतनी भैंस है तो ब्रीडिंग करके अच्छी कटड़िया भी तैयार कर सकते हैं। ये बुल आप देख सकते हो, बुल की बनावट बहुत प्यारा है, कुंडी सिंह वाला है, और सारी भैंसे भी देखे तो सारी भैंसे भी कुंडी सिंह वाली है। ये कितने साल का है भैया? 4.5 साल का हुआ। 4.5 साल का, तो इसका रिजल्ट आपके फार्म पे होगा? अच्छा, ये कब चालू हुआ था, कितने साल में? 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल हो गए ना। अभी बच्चा फर्स्ट बार बच्चा दो तीन आए है ना। इससे पहले आपके पास में दूसरा वाला बुल था? हाँ, वो भी बढ़िया था। तो डेयरी फार्म में देखे तो मतलब बुल एक ही रखना चाहिए या मतलब बदलना चाहिए? एक रखना चाहिए, लेकिन 3 साल के बाद बदल देना, 3 साल के बाद में बदलना चाहिए ना, क्योंकि वो एक सही हो जाए ना। हाँ, तब बदल देना चाहिए, ताकि वो एक ही एक नस्ल ना हो, और नस्ल में अच्छा सुधार हो, अच्छे से अच्छे कटड़िया या कटड़े तैयार कर सकते हो आप फार्म पे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल।